के लेक्चर में एक्सरसाइज 5.4 डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई एक्स ओवर साइन एक्स। तो नई बात यहां पर सीखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना है, होता है ई रेज टू एक्स। और साथ में हम सीखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स। तो बाकी सेम फॉर्मूले रहेंगे। तो पहला सम हमारे पास लेट y इज इक्वल टू ई एक्स ओवर साइन एक्स, ई एक्स ओवर साइन एक्स तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बटा dx दैट इज इक्वल टू d ओवर dx e रेज टू x ओवर साइन x। तो यहां पर कोशेंट रूल हम लगाएंगे u ओवर v वाला, डेरिवेटिव ऑफ u ओवर v दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। तो ये फॉर्मूला यहां पर कोशेंट रूल लग जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर x, यहां v यानी साइन स्क्वेयर x साइन x स्क्वेयर है फॉर्मूले में, तो यहां अकेला v है डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x माइनस e रेज टू x डेरिवेटिव ऑफ साइन x। बिल्कुल स्लोली स्लोली जैसे चल रहा है करते रहें। तो साइन x, अब ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स डॉट ई एक्स माइनस साइन x का डेरिवेटिव कॉस x ओवर साइन स्क्वेयर x। तो ये भी आप यहां लिख सकते हैं डेरिवेटिव किसका, साइन x का, वो किसके बराबर होता है कॉस x। तो ये वाले फार्मूले यहां लग रहे हैं, सम तो निकल चुका है। अब क्या है, ई एक्स आप कॉमन भी ले सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं। तो डी वाई बटा डी एक्स ई एक्स कॉमन ले लिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वेयर एक्स। तो दिस इज द आंसर। उम्मीद है ये सम भी आपने। सेकंड क्वेश्चन ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स। तो लेट y इज इक्वल टू e रेज टू पावर साइन इनवर्स x। तो पहला फॉर्मूला तो आप जानते ही है, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज इक्वल टू e रेज टू x, e रेज टू x। तो यहां पर x की जगह पर साइन इनवर्स x है, तो आप इसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे, या मन में आप t सोच ले तो e t डेरिवेटिव आ जाएगा और t का दोबारा से फिर, मतलब चेन रूल फॉलो करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ई रेज टू पावर साइन इनवर्स x। तो इसका पहले इस तरह से लिखेंगे डेरिवेटिव, ई रेज टू पावर साइन इनवर्स x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं। इस फंक्शन का चेन रूल के अकॉर्डिंग एक बार फिर से ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू, अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये फॉर्मूले आपको जब तक नहीं आएंगे, सुनो समों का होना जो सम्स है होना बहुत मुश्किल है। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो डी वाई बटा डी एक्स दैट इज इक्वल टू e रेज टू पावर साइन इनवर्स x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल पिछले सम की तरह है, लेकिन यहां पर x क्यूब है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू e रेज टू x क्यूब, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट, डी वाई बटा डी एक्स डी ओवर डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स क्यूब। तो फॉर्मूला लगाते हुए ई रेज टू पावर एक्स क्यूब और चेन रूल लगाते हुए एक्स क्यूब का दोबारा से फिर डेरिवेटिव। पहला फॉर्मूला कौन सा लग गया यहां पर, ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। अब लगाएंगे
डी ओवर डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, यहां पर ई रेज टू एक्स क्यूब डॉट थ्री एक्स स्क्वेयर, एन आगे आ गया ऊपर पावर कम, थ्री एक्स स्क्वेयर डॉट ई एक्स क्यूब ई रेज टू एक्स क्यूब दैट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो लेट y is equal to sine tangent inverse e raised to minus x. ये हमारे पास है कंपोजिट फंक्शन है, तो यहाँ पर थ्री फंक्शंस है, कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल लगाते हुए इसको सॉल्व करेंगे. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले साइन के अकॉर्डिंग dy बटा dx, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है d ओवर dx, साइन एक्स का कॉस एक्स, लेकिन यहां पर कॉस का कॉस की जगह पर ये कंप्लीट फंक्शन है तो कंप्लीट फंक्शन ही में लिखेंगे. कॉस टेंजेंट इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स, और साथ में चेन रूल लगाते हुए टेंजेंट इनवर्स ई माइनस एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव. तो ये टेंजेंट इनवर्स है, तो टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला डी ओवर डी एक्स टेंजेंट इनवर्स x दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहां पर वैसे का वैसे लिखते जाएंगे cos टेंजेंट इनवर्स e रेज टू माइनस x, अब टेंजेंट के अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर क्या है e रेज टू पावर माइनस x, तो 1 प्लस e रेज टू माइनस x का स्क्वायर, तो x की जगह ये है, अब दोबारा से फिर e रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, अगर x होता तो यही खत्म हो जाता, ई एक्स है तो आगे और हमें जाना पड़ा. तो cos tangent inverse e रेज टू माइनस एक्स इंटू वन ओवर वन प्लस, ये टू को अंदर ले जाए तो e रेज टू माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स. अब इसका डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है ई एक्स, तो e raise to minus x है तो minus x दे देंगे. अब minus x है, x नहीं है, इसलिए chain rule लगाते हुए इसका दोबारा से फिर derivative. combine करके क्या बन जाएगा, देखिए इसका derivative कितना आएगा minus 1, तो मैं पहले ही minus 1 लगा देता हूं, minus e raise to minus x into cos tangent inverse e raise to minus x, ये वैसे का वैसे, ये भी वैसे का वैसे, और 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स दैट इज द आंसर. उम्मीद है ये सब भी आपने अच्छी तरह से देख. क्वेश्चन नंबर 5, लॉग कॉस ई एक्स, तो लॉगरिथमिक फंक्शन है हमारे पास. लेट वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस ई रेज टू एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स log x that is equal to 1 over x. तो x की जगह पर complete function है तो function ही हम लिखेंगे और chain rule लगाएंगे. Differentiate with respect to x. तो dy बटा dx. तो log का 1 over x, तो x की जगह पर complete पूरा वैसे का वैसे, cos e raise to power x. तो again chain rule लगाते हुए cos e raise to power x, ये बन गया. इसका दोबारा से डेरिवेटिव निकालेंगे, cos है तो cos के अकॉर्डिंग लगा देंगे, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, क्या बन जाएगा 1 ओवर cos e raise to power x माइनस sin e raise to power x, और क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं चेन रूल लगाते हुए e x का डेरिवेटिव दोबारा से फिर करेंगे. तो ये देखिए साइन ई रेज टू एक्स है, ये कॉस ई रेज टू एक्स है, तो कॉस ओवर साइन ओवर कॉस क्या बन गया टेंजेंट, माइनस टेंजेंट ई रेज टू पावर एक्स. यहां पर मैंने क्या कर दिया, साइन रेज टू ई ओवर एक्स, कॉस ई रेज टू पावर एक्स, तो क्या बन गया टेंजेंट ई रेज टू पावर एक्स. तो ये मैंने फार्मूला यूज कर लिया, साथ में इसका डेरिवेटिव e की पावर x e रेज टू x माइनस टेंजेंट e रेज टू x, दिस इज द आंसर.
उम्मीद है आज के पांचों सम आपने देख लिए हैं और समझ लिए।